Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. खैर खैरियत से हम लोग घर आ गए वापस, वही रूटीन और वही सब. तो आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं. मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, आके मैंने व्लॉग एडिट करना था, ऊपर बैठ के मैंने व्लॉग एडिट किया. अभी वसीम उठे हैं, उनका फ़ोन आया तो मैं उनका नाश्ता बनाने लगी हूँ. नाश्ता बना के फिर हम लोगों ने थोड़ा सा आज काम से बाहर जाना है और बस आते ही काम शुरू हो गए. वही बिजी रूटीन, वही बिजी शेड्यूल, क्योंकि आज संडे और हमारे जो सैटरडे संडे वाले काम होते हैं जो मेरे वसीम के साथ होते हैं वो सैटरडे संडे पे हो सकते हैं क्योंकि उनको 2 दिन का ऑफ होता है. तो बस जल्दी जाके पहले नाश्ता बनाते हैं, फिर रेडी होते हैं और फिर गाँव जाना है और फिर एक दो काम और भी हैं वो भी करते हैं. तो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग. आप लोगों के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर कर रही हूँ जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है. वो लड़कियाँ या वो मदर्स जो मुझे देख रही हैं जो अपनी बेटियों के रिश्तों को लेके परेशान है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं. और उन लोगों ने पता नहीं रिश्ते करवाने वालियों को कितने पैसे दे दिए, बट उनको जैसे उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिश्ता नहीं मिल रहा. तो डोंट वरी गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक एप्लीकेशन शेयर कर रही हूँ निकामी के नाम से, जो आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी और ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी. आगे जाके मैं आपको सारी दिखा भी देती हूँ कि आपने इस अकाउंट किस तरीके से बनवाना है, आपको रिश्ता किस तरीके को देखने को मिलेगा. तो सिंपली इसमें ये कि आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा. फीमेल्स का रजिस्ट्रेशन इसमें जो मेंबरशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप लोग घर बैठे अपने पैसे बचा के अपने लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं. आप लोग इंटरनेशनल रिश्ते भी इसमें ढूंढ सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे. आपका नंबर हाइड कर दिया जाएगा, आपकी पिक्चर ब्लर कर दी जाएगी. फीमेल्स की प्राइवेसी का फुल ख्याल रखा जाएगा. तो आप लोग ये ऐप इंस्टॉल करके अपना अकाउंट बनाएं इस पे. आगे स्क्रीन में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने अकाउंट कैसे बनाना है. आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी. आपने वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लगा देनी है उसका. उसके बाद आपका अकाउंट चला जाएगा अप्रूव होने के लिए. जैसे ही आपका अकाउंट अप्रूव होके आ जाएगा आपको आपकी अकॉर्डिंगली आपका मैच जो है वो देखने को मिल जाएगा. जिस तरीके का आपको रिश्ता चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, दूसरा चाहिए, कुछ आपसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपकी पूछी जाएगी, वो आपने इसमें लगा देनी है ऐप में और आप अपना अकाउंट इसमें बना सकते हैं और घर बैठे अपने लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर जो है वो ढूंढ सकते हैं. आई होप आज मैंने आप लोगों की ये टेंशन जो है वो दूर कर दी होगी. जो मदर्स अच्छा रिश्ता ढूंढना चाह रही हैं या जो लड़कियाँ चाह रही हैं कि हम लोग घर बैठे अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें, तो आप लोग ये ऐप इंस्टॉल करके देख सकते हैं. अच्छा, ये ऐप फीमेल के लिए नहीं है. अगर मर्द हजरात भी अपना रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वो भी इसमें ढूंढ सकते हैं. ऐसा ना बाद में कमेंट आ रही हूँ कि क्या सिर्फ इसमें फीमेल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए. अच्छा, ये एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप लोगों ने निकामी के नाम से कर लेनी है. आप लोग इसको लॉग इन कर सकते हैं अपने जी मेल के साथ, अपन एप्पल आई डी के साथ. फिर ये कुछ आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आप सिंगल यूजर हैं या फिर जो भी हैं. आपने सारी डिटेल्स इसमें लगा देनी है, आपसे आपकी बेसिक जो है वो डिटेल्स पूछी जाएंगी. आपका डेटा सिक्योर रहेगा. यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑप्शनल है, आप चाहे तो फिल कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग जो है वो स्किप कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है. चाहते हैं तो आपकी पिक्चर ना शो तो आप ब्लर कर सकते हैं. अपनी सेल्फी लेके जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवा लेनी है और कुछ देर में आपका अकाउंट जो है वो बन के अप्रूव्ड हो. अच्छा, फिर मैं नीचे आ गई. नीचे आके मैंने नाश्ता जो है वो बनाना था वसीम के लिए. अच्छा, नाश्ता बना के हम लोगों ने जाना था तो बाहर थोड़ा सा काम से. जैसे मैंने ब्लॉग के स्टार्ट में बनाया, वसीम नाश्ता करे तो मुझे तो कोई इतनी खास भूख नहीं थी. मैंने कहा कज़न को बोला हुआ है वहाँ पे पुलाव बनाने का तो वो बनाएगी, तो मैंने वही खा लेना है. तो बस यहाँ पे मैंने बेड वगैरह सेट किया अपना. मेकअप निकाल के करते हैं मेकअप. अच्छा जी, रेडी मैं यहाँ पे हो गई हूँ. बाल फिलहाल मैंने बंद कर लिए हैं अपने और ये है मेरा आज का आउटफिट फुल ब्लू. ये मुझे एक पेज ने भेजा था और लिटरली मुझे इस तरह के सूट्स बहुत अच्छे लगते हैं. तो दैट्स इट, और अभी बस हम लोग निकलते हैं. हम लोगों ने 12 बजे तक जाना है लेकिन मैंने 1:30 बजा दिए. तो लेट्स गो. ज़ारा अम्मी के रूम में, ज़ारा को उठाते हैं और चलते हैं. ज़ारा क्लैपिंग करो, क्लैपिंग. ये ले लो, अच्छा ये ले लो, खाना खाओ, ये लो प्लेट में खाना खाओ. अच्छा, ज़ारा का ये वाला जो ड्रेस है ना ये बॉयज़ कलेक्शन में था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. येलो कलर में था और ब्लू में, येलो ब्लू मुझे वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं तो मैंने फिर ले लिया था. और ये ज़ारा को मैंने पहले भी पहनाया था वैसे तो जो है ना, मैंने शायद आप लोगों को दिखाया नहीं है, शायद जब मैं ट्रिप पर गई थी तब दिखाया था. अच्छा, फिर यहाँ पर कज़न की बेटी आई हुई थी तो हम सब लोग बैठे हुए थे तो जल्दी जल्दी में रायता देखे लोगों ने किस में बनाया, जिसमें हम लोग जो है वो चटनी बना रहे होते हैं. तो बस यहाँ पे फिर मैंने पुलाव खाया आलू मटर वाला और मैं ज़ारा को भी खिला रही थी. अच्छा, ज़ारा माशाल्लाह राइस जो है ना वो बड़े शौक से खा लेती है
तो बस यहाँ पे ये कह रही थी कि मुझे स्पून खुद दो और मैं यहाँ पे बैठ के जो है ना वो खुद खाऊं। अच्छा माशाल्लाह बहुत से लोग कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे कि क्या ज़ारा ने क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कर दिए। तो आज ये यहाँ पे कर रही थी, यहाँ आगे हम लोगों ने एक वो रखा हुआ था टॉय ना, कि देखते हैं सबसे पहले आके कौन पकड़ता है। तो माशाल्लाह दोनों की स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़ारा जो है वो जल्दी से स्पीड से जो है पहुँच के उसने पकड़ लिया था। अच्छा अभी हम लोग बाहर जा रहे थे फार्म वगैरह पे, तो बच्चों को भी साथ, अच्छा इतने बड़े नहीं थे जितने हमारे साथ बच्चे आए थे। हेलो क्लैपिंग करो बड़े छोटे। अच्छा जी, तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, गाँव आए थे, खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग आ गए थे थोड़ी पिक्चर्स लेने के लिए, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली हैं। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। ये आप रास्ता देखें जिधर मैं खड़ी होके ब्लॉग कर रही हूँ इधर उधर, बहुत टाइम बाद, लाइक बहुत टाइम बाद आज हम लोग आए हैं ज़मीनों पर और पिक्चर्स वगैरह ली हैं। बच्चे भी सारे हमारे साथ थे। अब बस थोड़ी देर तक हम लोगों ने घर जाना है और अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा घर पर, मतलब कज़न के घर। घर रात को जाएंगे, रात भी होने वाली। आ जाओ पीछे आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अनदर डे। और कल हम लोग गांव से आ गए थे, आके फिर जो है वो सो गई थी और बस कुछ नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही कल मैंने ब्लॉग बनाया था। और अभी ये नेक्स्ट डे है, अभी उठी हूँ। रूम आप लोग देख सकते हैं, ज़ारा ने जगह जगह पर टॉयज पिलाए हुए हैं, तो बस रूम वगैरह सेट करते हैं और आज का अपना ब्लॉग जी करते हैं स्टार्ट। इतनी खुशी होती है जब आप अपना सारा ड्रॉज जो है ना वो सेट कर लो। ये भी मैंने कल सारा सेट किया, ये भी मैंने कल सारा अपना सेट कर लिया। ज्वेलरी वाला, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी और ये फाइनली सेट। ये इतनी मस्ती कर रही है, इतनी मस्ती कर रही है जब से ये सवाद से होके आई है ना, इसका लगता है माइंड बगदोई टॉप पर जाके बहुत ज़्यादा खुल गया। क्यों मस्ती कर रही हो इतनी, बताओ ज़रा मुझे, हैं? आपको कह रही हूँ मैडम, चलो मामू लेने के लिए हैं, चलो मामू के साथ जाओ। आज एक मज़े की आपको बात बताती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सारे निकाल दिए, ये सारे मैंने हैंगर कर दिए इस्त्री करके, और यहाँ पे ये घर पे पहनने वाले, ये टी शर्ट ट्राउज़र और ये बहुत मोटे वाले, और ये देखें अलमारी हमारी हो गई सेट, और इसलिए आज हम बहुत खुश हैं। आज सुबह से उठ के मैंने बहुत काम किए, अपने कबर्ड सेट की और अपने ड्रॉ सेट की, अपनी ज्वेलरी सेट की, अपनी अलमारी सेट की, और अभी मैं कबाब बनाने लगी हूँ। मसाला वगैरह बनाया हुआ था, उसकी टिक्कियाँ बना के और मैं फ्रिज में रखती हूँ, और साथ में हम बनाते हैं घर वालों के लिए चाय। आपको लेने के लिए आए हैं मामू, तो जाओ मामू के साथ थोड़ा खेल के आ जाओ, कपड़े ज़रा इसके चेंज कर दूँ। अच्छा कबाब का जो है वो मसाला बनाया हुआ था, सुबह ही बना लिया था, और मैं बस अब इसकी जो है वो टिक्कियाँ बना के रख रही हूँ, थोड़ी अभी बना लूँगी, थोड़ी रात में बना लूँगी, क्योंकि ये तो अभी फ्राई करके खाने थे मैंने कहा चलो थोड़े से अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, साथ साथ चाय पीनी थी मम्मी ने, उनके लिए मैंने चाय बनाई, और यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने फ्रीज़ कर लिए। हम लोग तीन चार लोग तो होते हैं खाने के टाइम पर, कभी वसीम खाते हैं दोपहर में, कभी नहीं खाता है, तो बस ये मैंने अभी फ्रीज़ करके रख लिए थे, अभी उनको भी फ्राई करके ऑफिस भेज देंगे अगर वो बोलेंगे खाना भेज दो। अच्छा ये वसीम ना रात जा रहे के लिए शॉपिंग करके लेके आए थे, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं मैं कि एक्सपो पे जो है ना वो ऑफ लगा हुआ है, अगर आपने भी अपने बच्चों की शर्ट्स वगैरह देखनी है तो देख सकते हैं, अगर अगले साल के लिए भी लेनी है तो देख सकते हैं। ये तो वसीम अभी के लिए लेके आए थे, ये थी 2000 की मेरे ख्याल सेल में, पता नहीं कितने की मिली। एक ये लेके आए थे, वो अपनी जैकेट लेने के लिए गए थे, तो वो फिर ज़ारा के लिए भी ये लेके आए थे, ग्रीन वाली लेके आए थे ये वाली। अच्छा सबसे जो स्टार्ट वाली है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और सबसे एंड वाली ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मुझे थोड़ी बॉयज़ जैसी लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। ये भी प्राइस सबकी सेम थी मेरे ख्याल में, 25% इन पे ऑफ था। ये वाली भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना, तो मैंने कहा बस ये आज का छोटा मोटा सा व्लॉग था, अपडेट देनी थी आपको। और जज़ाक अल्लाह जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।